सोमवार को मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान सदन में हंगामा हो गया। दरअसल राज्यपाल की अभिभाषण पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा था। इसी दौरान बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टांटिया मामा भील का जिक्र किया। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीच में उठकर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गुरु गोविंद सिंह, टांटिया मामा भील जैसे महान पुरुषों को लुटेरा कहा था। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल में CBSE के माध्यम से छात्र छात्राओं को यह पढ़ाया भी जाता था। कैलाश विजयवर्गीय के इस वक्तव्य पर समूचे विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष से इन शब्दों को विलोपित करने की मांग की, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके पास उसके प्रमाण हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष में व्यवस्था देते हुए कहा कि इसे NCERT के माध्यम से दिखाया लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस जानकारी को असत्य बताते हुए जनता की ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वक्तव्य के दौरान ही वॉकआउट कर दिया। देखिए, कांग्रेस पक्ष जो है, मैं अभी बहुत ज्यादा वक्त तो इस नई विधानसभा के लिए नहीं हुआ, छोटे छोटे दो सत्र अभी हुए हैं, अभी ये सब तो चल ही रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जितने जिम्मेवारी उत्तरदायित्व और जितने पहनेपन से कांग्रेस के लिए प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए, निभाना चाहिए, वो धारणीय है। मैं कहूँगा कि इनके वरिष्ठ नेता जो है, कुछ जो चुने गए कमलनाथ जी हैं और भी लोग, विधानसभा आते ही नहीं है, इससे इनकी रुचि पता चलती है विधानसभा के प्रति। और जब अनुत्तरित हो जाते हैं, संवाद नहीं कर सकते, प्रश्नों को सही तरीके से पूछ नहीं सकते, जन समस्या को नहीं रख सकते, सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो ये उनकी अनुभवहीनता और अज्ञानता है और इस कारण से वॉकआउट होता है। देश के लिए जीवन देने वाले, सबको पता है आज़ादी के पहले कितने कांग्रेस के हमारे नेता देश की आज़ादी के लिए जीवन दिए, आज़ादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शहादत, स्वर्गीय राजीव जी का शहादत, इस देश के लोगों का नारा था पिता माँ बेटा का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। आज उसके अनावश्यक कितनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना स्तर राजनीति में गिरा रहे हैं, ये उचित नहीं है। NCERT में अरे भाई, भारतीय